गया के रोशनगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी वाले दिन ही दूल्हे का अपहरण हो गया। जी हाँ, नौकाधी गांव के रहने वाले पप्पू कुमार की शादी 30 जून को थी और बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी वहां मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश पहुंचे और दूल्हे का ही अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद से ही दूल्हे का पता नहीं चल रहा है। एक डेढ़ बजे हम घर से सो गए। सोने के बाद में काम चला कि फिर हमको चार बजे जो है चार पाँच के बीच में कोई लड़का आया, से बोलता है कोई पप्पू को उठा करके लेके चला गया है और बनाई तरफ। बनाई में गया तो जो साथ में लड़का गया था, वो लड़का को से उसको मारा पीटा भी और गाड़ी में बैठा के पप्पू को गाड़ी में बैठा करके चला गया। वहीं दूल्हे की मां ने बताया कि जब भी वो अपने होने वाली बहू काजल से मिलने जाती थी तो गांव के कुछ युवकों ने पप्पू की पिटाई कर दी थी और शादी न करने की धमकी भी दी। हाँ, के ना उठा लपना जगह तो पास फोन कि से चल गए हमारा लड़का, एगो लड़का के लेके छोटा बड़ा लड़का के इतना बड़ा लेके चल गए। हमने सुता ली तो वही लड़का के बोले थे कि भौजी भौजी से उठा, तो उठले तो हम से पूछे थे गए थे तब पूछे थे कि का हो तोरा बबू पप्पू भैया मरता तना हमरा थी दोसर कोई मार दिल को भैया के बैठा के गाड़ी पर लेके चल गए। वही रोशनगंज पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वो रोशनगंज थाना के नौकाडीह गांव है, जो बोला नौकाडीह पप्पू कुमार लड़का है, उसके पिताजी आवेदन दिए हैं कि मेरा लड़का का कल शादी होना था, बारात जाना था, सुबह 4 बजे कोई फ़ोन किया कहीं बुलाया उसको बनाही में, तो लड़का एक तो दोस्त है उसका, दोस्त के साथ लेके वो गया वहाँ बनाही में। वो बता रहा है कि उसका जो दोस्त साथ में था वो बता रहा है कि बनाही में कोई दो तो लड़का था मोटरसाइकिल लेके खड़ा, उसको रुकवाया। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, तो पुलिस भी दूल्हे की बरामदगी के लिए हाथ पैर मार रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए गया से अजित कुमार की रिपोर्ट।